रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सरेराम मारपीट से हंगामा मच गया, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट होने की बात सामने आई है। इस झड़प में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों पक्ष अपने हाथापाई में उतारू दिखाई दे रहे हैं। वहीं सड़क पर इस हंगामे के चलते राहगीरों की भीड़ भी उमड़ पड़ी, लेकिन दोनों पक्षों पर लगातार हाथापाई करते रहे। कुछ समय बाद वहां एक पुलिसकर्मी दिखाई देता है जो मामले को सुलझाने की कोशिश करता है और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके दोनों पक्षों में भिड़ंत जारी रहती है। आखिर में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मारपीट करने वाले युवक को पकड़ कर ले जाती है। मारपीट के ये वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्राधिकारी विद्या किशोर शर्मा ने बताया, दो पक्षों में पैसे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इस संबंध में वादी फहीम द्वारा थाने पर 306, 504, 506 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है। नदीम, साकिर और पप्पू द्वारा फहीम से मारपीट की गई है। इसमें 323, 504, 506 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी भी की गई है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी सीओ साहब, कोतवाली शहर कोतवाली का मामला है, वीडियो वायरल हुआ है, पिटाई कर रहे हैं दूसरे, क्या मामला है? ये शहाबाद गेट पर नदीम, पप्पू और ये फहीम लड़का है, इनका पैसे के लेन देन पर विवाद चल रहा था। इनमें आपस में पैसे के लेन देन के चक्कर में इनसे मारपीट हुई है और मारपीट होने के बाद में इन्होंने इनके द्वारा फहीम द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। 306, 504 और 506 में दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक दो लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए, उनको जेल भेज दिया गया है। ये रोड पे जो मार रहा है, इसका वीडियो वायरल हुआ है? हाँ, ये भी वही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पैसे का लेन देन था इनका, इसमें तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। नदीम, शाकिर, पप्पू, ये फहीम था, इसको मारपीट इनके द्वारा की गई है और इनका 323 और 504, 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी भी की गई है और जांच चल रही है।